स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल YT लर्निंग एजुकेशन वीडियो में। आज हम बात करेंगे बोध संगीतियों के बारे में, या फिर इन्हें बोध महासभाएं भी कहते हैं। इनमें हम जानेंगे चार बोध संगीतियों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कौन सी बोध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, उसके अध्यक्षता यानी कि जो अध्यक्षता किसने की थी किस बोध संगीति की, और इसका स्थान कहाँ पर था, और साथ ही साथ काल समय के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपकी छूटने ना पाए। देखिए, चार बोध संगीतियाँ हुई थी। इनमें पहली बोध संगीति जो हुई थी वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, यानी कि महाकश्यप ने पहली बोध संगीति की अध्यक्षता की थी, और किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के, और इसका जो आयोजन स्थल था वो बिहार का राजगृह था। किसकी कौन सी बोध संगीति का, प्रथम बोध संगीति का। आइए तो अब बात करते हैं दूसरी बोध संगीति, ये किसके शासनकाल में हुई थी, ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता सर्व कामिनी ने की थी, और इसका जो स्थान था वो बिहार का वैशाली था। तीसरी बोध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, इसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तीसस ने की थी, और किसके जो स्थान था इसका वो था बिहार का पाटलिपुत्र। चौथी बोध संगीति, चौथी बोध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और इसका जो स्थान था वो था कश्मीर का कुंडल वन बिहार। देखिए, तीन बोध संगीतियाँ तो कहाँ हुई थी, बिहार में हुई थी, है ना। और कहाँ कहाँ हुई थी, पहली पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, और तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में, ये बात याद रखिएगा। और इसके अक्सर देखो अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो उनका स्थान और जो इसके किसके शासनकाल में हुई थी ये पूछा जाता है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा इन दोनों को, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि कौन सी बोध संगीति कब और कहाँ हुई थी। तो चलिए बात करें इनके जो काल था उनके बारे में भी, यानी कि जो वर्ष है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली बोध संगीति का शासनकाल 483 ईसा पूर्व है। दूसरी बोध संगीति का काल या वर्ष था 383 ईसा पूर्व। तीसरी बोध संगीति का शासनकाल 251 ईसा पूर्व। और चौथी बोध संगीति का शासनकाल प्रथम शताब्दी ईस्वी था, ठीक। तो देखिए, आपको अब बोध संगीतियों के बारे में पता चल गया होगा, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, इसलिए इन बोध संगीतियों को आप याद रखिएगा। अगर ये आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।